नमस्कार दोस्तों, मैं मनदीप शर्मा आपका अटैक में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज भी मैं बात करने वाला हूं जीमेल के बारे में, जिसमें मैं बताने वाला हूं कि हम अपने जीमेल आईडी पर टू स्टेप वेरिफिकेशन कैसे लगा सकते हैं। दोस्तों, टू स्टेप वेरिफिकेशन को लगाना बहुत ज़रूरी है अपनी जीमेल आईडी पर, क्योंकि यदि हम अपनी जीमेल आईडी पर टू स्टेप वेरिफिकेशन को लगा कर रखते हैं तो कोई भी हमारी जीमेल आईडी को आसानी से क्रैक नहीं कर सकता, यानी हैक नहीं कर सकता। तो दोस्तों, यह जानने के लिए कि हम अपनी जीमेल आईडी पर टू स्टेप वेरिफिकेशन किस तरह से लगा सकते हैं, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए जानते हैं कि हम किस तरह से अपनी जीमेल आईडी पर टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि हम किस तरह से अपनी जीमेल आईडी पर टू स्टेप वेरिफिकेशन लगा सकते हैं। दोस्तों, अपनी जीमेल आईडी पर टू स्टेप वेरिफिकेशन लगाने के लिए आपको सबसे पहले अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन हो जाना है अपने ब्राउज़र में। दोस्तों, मैं ये अपने लैपटॉप में करके दिखा रहा हूँ, आप इसी तरह से अपने मोबाइल में भी कर सकते हो, मोबाइल के ब्राउज़र में डेस्कटॉप साइट ऑन करके। तो चलिए दोस्तों, अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन हो जाते हैं। दोस्तों, अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ गूगल अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। गूगल अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा मैनेज योर गूगल अकाउंट, आपको इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो इस तरह का एक पेज खुलकर आएगा, जिसमें आपको लेफ़्ट साइड में सिक्योरिटी का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों, सिक्योरिटी के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा टू स्टेप वेरिफिकेशन, आपको इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, टू स्टेप वेरिफिकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का एक पेज खुलकर आएगा, जिसमें आपको गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे ही आप गेट स्टार्टेड पर क्लिक करोगे, इस तरह का एक पेज खुलकर आएगा, जिसमें आपको अपनी जीमेल आईडी का पासवर्ड डालना है, जिस पर आप टू स्टेप वेरिफिकेशन लगाना चाहते हो। दोस्तों, पासवर्ड डालने के बाद आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों, जैसे ही आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो इस तरह का एक पेज खुलेगा, जिसमें आपको थोड़ा नीचे जाना है, और नीचे जाने के बाद आपको ट्राई इट नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप ट्राई इट नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करोगे, यदि आपने अपनी जीमेल आईडी को अपने मोबाइल में लॉगिन किया हुआ है तो आपके पास एक मैसेज आएगा आपके मोबाइल पर, जिसमें आपको यस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे ही आप यस के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो इस तरह का एक पेज खुलेगा, जिसमें आपको अपना वह मोबाइल नंबर डालना है जो आपके पास उपलब्ध है, यानी आप उसे रेगुलरली चलाते हो। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको थोड़ा नीचे जाना है, और दोस्तों, यदि आप चाहते हो कि टेक्स्ट मैसेज आए आपके पास टू स्टेप वेरिफिकेशन का, तो आपको टेक्स्ट मैसेज के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। और दोस्तों, यदि आप चाहते हो कि फ़ोन कॉल से टू स्टेप वेरिफिकेशन हो, तो आपको फ़ोन कॉल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, आपको सेंड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों, जैसे ही आप सेंड के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो जो मोबाइल नंबर आपने इसमें ऐड किया है उस पर एक कोड आएगा, जो आपको इसमें डाल देना है। दोस्तों, कोड डालने के बाद आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आपको टर्न ऑन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे ही आप टर्न ऑन के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपकी जीमेल आईडी पर टू स्टेप वेरिफिकेशन लग जाएगी। दोस्तों, यदि आप इसे ऑफ करना चाहते हो तो यहाँ टर्न ऑफ के ऑप्शन पर क्लिक करके इसे ऑफ भी कर सकते हो। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों, ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचे सबसे पहले आपके पास। धन्यवाद।